हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूनियन ऑफसेट्स और इंटरसेक्शन ऑफसेट्स पढ़ा था। अब एक ऑपरेशन और बचता है सेट के बीच में, जो होता है डिफरेंस ऑफसेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखिए कैसे निकालते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट समुच्चयों का अंतर। ए लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी इज द सेट। ये भी एक क्या आएगा, एक सेट ही आएगा। जैसे यूनियन में और इंटरसेक्शन में सेट आता है, ऐसे ही आपका क्या है डिफरेंस में भी क्या है, एक सेट आएगा। तो ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ ए सेट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी, विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। यानी ए माइनस बी एक ऐसा सेट आएगा जिसके अंदर वे सारे एलिमेंट होंगे जो ए के अंदर तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी के अंदर बिलोंग नहीं करते होंगे। तो ए माइनस बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, कि एक्स जो है ए के अंदर तो बिलोंग कर रहा है लेकिन किसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, आपका बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए ए के अंदर 1 2 3 4 5 पांच एलिमेंट है, बी के अंदर 2 4 6 8 10 एलिमेंट है। वही एग्जाम्पल ले रहा हूं जो यूनियन में और इंटरसेक्शन में लिया था। डिफरेंस ए माइनस बी, तो ए के वे एलिमेंट लेने हैं जो ए में है बी में नहीं है, तो 2 और 4 दो एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में भी हैं, तो इन दोनों को हटा देंगे, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को क्या कर देंगे, हटा देंगे यहां से। तो आपके पास क्या बचता है 1 3 5 1 3 5। तो 1 3 5 क्या है, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए के वे एलिमेंट लेने हैं जो बी में नहीं है, बी में नहीं है, तो ये दोनों एलिमेंट बी में थे इसलिए इन दोनों को हटा दिया गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस, समुच्चयों का सममित अंतर। समुच्चयों का सममित अंतर क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू सेट, यदि ए और बी दो सेट हैं, द सिमेट्रिक डिफरेंस ए एंड बी डिनोटेड बाय ए, ये आपका क्या प्लस बना के जीरो, ऐसे प्लस बना के इस तरह से। कुछ बुक वाले इसको डेल्टा भी बनाते हैं, ये भी सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है, डेल्टा भी हो सकता है। और ये भी द सेट, ये भी एक सेट होगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी, यानी ए और बी सेट का डिफरेंस करेंगे, बी और ए सेट का डिफरेंस करेंगे, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, और उनका जो इंटरसेक्शन होगा वही क्या होगा, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। ठीक है, बी माइनस ए और ए माइनस बी दोनों सेम नहीं है, इसमें आपका बी माइनस ए में मैं आपको बताता हूं यही बार एग्जाम्पल में आप बी माइनस ए। अब इसमें क्या होगा, इसमें बी के वे एलिमेंट लेने हैं जो ए में नहीं है, बी के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ये बी के वे एलिमेंट है एक ये और एक ये, दोनों जो ए में है, तो हमारे पास क्या बचेगा 6 8 और 10। ठीक है, तो इस तरीके से ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो इंटरसेक्शन होगा वही इन दोनों सेट का क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। डिजॉइंट सेट, डिजॉइंट सेट क्या होते हैं, यदि आपके पास दो सेट हैं और उन दोनों को आपको डिसजॉइंट चेक करना है कि दोनों सेट डिसजॉइंट है नहीं है, यदि उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या आ जाता है, एमपीटी आ जाता है। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट, वे दोनों सेट क्या कहलाए जाएंगे, डिसजॉइंट कहलाए जाएंगे इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यदि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो, 5 के इक्वल हो। ठीक है, डिसजॉइंट असंयुक्त समुच्चय, उसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। ए यदि आपके पास ओड नंबर का सेट है और बी आपके पास इवी नंबर का सेट है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि एक सेट के अंदर इवी नंबर है और एक सेट के अंदर क्या है, ओड नंबर है, तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 5 होगा, तो इसलिए ए और बी क्या है, आपके डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, हम अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेके आपके सामने आऊंगा। अब जब तक आप जो है एक्सरसाइज को इस वीडियो की हेल्प से सॉल्व कीजिए। थैंक यू।